स्वागत है आपका फिर से एक नई वीकेंड टेक न्यूज में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म वीकेंड टेक न्यूज लेकर आए दोस्तों। इस हफ्ते की वीकेंड टेक न्यूज दोस्तों फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन नाम दोस्तों, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे कमाल के फ्लैगशिप कैटेगरी में स्मार्टफोन बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। आज मैं आपको बहुत सारे भर भर के अपडेट वगैरह देने वाला हूं दोस्तों, और इस वाली वीकेंड टेक न्यूज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। इस वाली वीकेंड टेक न्यूज को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और उसी के साथ में इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मैं इस वाली वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहली खबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहली खबर निकल कर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ से दोस्तों। फाइनली हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों ओला की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर दो लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों, ओला S1 और इसी के साथ में ओला S1 प्रो दोस्तों। इसकी सबसे कम प्राइस दोस्तों, सबसे चीप प्राइस दोस्तों हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारे कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं। जो ओला स्कूटर S1 है दोस्तों, इसकी प्राइस करीब आपको 1 लाख के करीब देखने को मिलती है। जो दोस्तों ओला S1 प्रो दोस्तों, उसकी प्राइस करीब आपको 1,30,000 के करीब देखने को मिलती है दोस्तों। ये हमारा आने वाला फ्यूचर है दोस्तों, आने वाले 10 या 5 सालों के अंदर हमें रोडों के ऊपर बहुत सारे कमाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों फ्यूचर के लिए ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के बारे में कुछ प्लान वगैरह बनाए दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में इस वाले दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगली खबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगली खबर निकल कर आ रही है रियलमी की तरफ से दोस्तों। फाइनली इस हफ्ते रियलमी की तरफ से बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ दोस्तों। इसके अंदर रियलमी की तरफ से रियलमी GT और इसी के साथ में रियलमी GT मास्टर एडिशन और दोस्तों इसी के साथ में रियलमी बुक स्लिम ऑफिशियली दोस्तों, तीनों भी प्रोडक्ट रियलमी की तरफ से अनाउंस हो चुके हैं दोस्तों, लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। जो दोस्तों रियलमी GT रहेगा, इसके अंदर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाली चिपसेट वगैरह देखने को मिलती है, और इसी के साथ में इसके अंदर आपको बहुत सारे कमाल के फीचर वगैरह देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसकी बेस वेरिएंट और उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, साथ में इसके प्राइस करीब आपको 37,999 के करीब देखने को मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में जो रियलमी GT मास्टर एडिशन है दोस्तों, इसके अंदर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 878G वाली चिपसेट वगैरह देखने को मिलती है। इसके बेस वेरिएंट और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, साथ में इसके प्राइस करीब आपको 25,999 के करीब देखने को मिलती है दोस्तों। इस वाले स्मार्टफोन की तरफ से एक बुरी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, इसका बेस वेरिएंट दोस्तों फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, मतलब ये खत्म हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर दोस्तों जो सेकंड वेरिएंट लॉन्च हुआ था दोस्तों, 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, साथ में इसकी प्राइस करीब 27,999 के करीब देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये बेस वेरिएंट हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। जो 26 वाला था दोस्तों, वो बेस वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे लीक्स बताया जा रहा है दोस्तों। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों ब्रांड की तरफ से मुझे भी पता नहीं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों, या फिर लॉन्च इवेंट में बताना चाहिए था कि हम इस वाला बेस वेरिएंट ये टाइम के बाद खत्म करेंगे, जैसा दोस्तों पोको X3 GT वाले बताए थे, ये लोग भी वैसा बताना चाहिए था दोस्तों। और उसी के साथ में रियलमी की तरफ से रियलमी बुक स्लिम भी लॉन्च हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं दोस्तों, 11 जनरेशन इंटेल कोर i3 और इसी के साथ में i5 के साथ में दोस्तों। इसके अंदर आपको दोनों भी प्राइस डिफरेंट देखने को मिलती है दोस्तों। जो दोस्तों i3 वाला वेरिएंट है दोस्तों, इसके अंदर आपको 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज, साथ में इसकी प्राइस करीब आपको 46,999 के करीब देखने को मिलती है दोस्तों। जो i5 जनरेशन वाला है दोस्तों, इसके अंदर आपको 8 GB रैम, 512 GB इंटरनल स्टोरेज, साथ में इसकी प्राइस करीब आपको 59,999 के करीब देखने को मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में मेरे कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपको इसकी प्राइस कैसी लगी दोस्तों। मुझे तो रियलमी बुक स्लिम की दोस्तों प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ही लग रही है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में मेरे कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि क्या आप रियलमी के फ्लैगशिप लेवल के कैटेगरी में जो स्मार्टफोन आते हैं उस वाले स्मार्टफोन को क्या आप खरीदते हैं दोस्तों, और आपकी ओपिनियन क्या है रियलमी GT और इसी के साथ में रियलमी GT मास्टर एडिशन के बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में रियलमी की तरफ से और एक खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, रियलमी की तरफ से बहुत जल्दी में वॉशिंग मशीन भी देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। जो रियलमी की तरफ से एक सब ब्रांड अनाउंस हुआ दोस्तों डीजो बोल के, उसके अंदर हमें डीजो की तरफ से वॉशिंग मशीन भी देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। मतलब दोस्तों जो भी रियलमी की तरफ से टेक लाइफ प्रोडक्ट आ रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर हमें डीजो के अंदर देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। बहुत ही जल्दी इस वाली वॉशिंग मशीन दोस्तों लॉन्च होने वाली है दोस्तों। क्या आप डीजो की तरफ से ऐसे प्रोडक्ट आएंगे तो क्या आप खरीदने के बारे में सोचते हैं दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ में और एक खबर निकल कर आ रही है रियलमी की तरफ से दोस्तों,
आखिरी खबर है रियलमी की तरफ से दोस्तों। रियलमी फैन फेस्टिवल आने वाला है दोस्तों, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक आपको ये फैन फेस्टिवल सेल देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर हमें रियलमी 8S भी देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। जो सबसे पहले MediaTek Dimensity 810 वाली चिपसेट आने वाली है दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों। ये मिड रेंज की कैटेगरी में आने वाला है इस वाला स्मार्टफोन दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में जो रियलमी पैड आने वाला है दोस्तों रियलमी की तरफ से, इसके अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ये भी कंफर्म हो चुका है दोस्तों। ये पैड भी इस वाले फेस्टिवल में लॉन्च होगा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगली खबर के बारे में बात करेंगे, तो अगली खबर निकल कर आ रही है गूगल की तरफ से दोस्तों। फाइनली गूगल की तरफ से गूगल पिक्सल 5 है ऑफिशियली दोस्तों यूएसए में और इसी के साथ में जापान के अंदर लॉन्च हो चुका है दोस्तों। ये इंडिया में नहीं लॉन्च होगा ऐसा कुछ मुझे लग रहा है दोस्तों। आपका क्या मानना है दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। इसके अंदर हमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 765G वाली चिपसेट वगैरह देखने को मिलती है दोस्तों। 4620 mAh की बैटरी और इसी के साथ में 18W का फास्ट चार्जर वगैरह देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अंदर आपको 3 साल तक OS अपडेट वगैरह देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसकी प्राइस और इसके बेस्ट वेरिएंट के बारे में बात करेंगे तो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब आपको 33,000 के करीब देखने को मिलते हैं दोस्तों। क्या आप गूगल पिक्सल 5 का इंतजार कर रहे थे दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हो दोस्तों, और एक खबर निकल कर आ रही है गूगल की तरफ से दोस्तों। फाइनली गूगल की तरफ से गूगल पिक्सल बर्ड्स ये ऑफिशियली दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको 12mm के डायनामिक ड्राइवर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कमाल के फीचर वगैरह देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 9,999 रुपए के आपको इसके प्राइस देखने को मिलते हैं दोस्तों। क्या आप गूगल के ऐसे प्रोडक्ट से भी इंटरेस्टेड हैं दोस्तों? क्या आप ऐसे प्रोडक्ट गूगल की तरफ से आएंगे तो खरीदेंगे दोस्तों? मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ में दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। व्हाट्सएप के अंदर बहुत ही जल्दी दोस्तों जो व्हाट्सएप डिसअपीयरिंग मैसेज वाला जो फीचर था दोस्तों, उसके अंदर हमें 7 डेज का टाइम देखने को मिलता था दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही जल्दी दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर 90 डेज का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, बीटा टेस्टिंग वगैरह चली है ऐसा कुछ यहाँ पे लीक्स बता रहे हैं दोस्तों। ये 90 डेज का कौन इस्तेमाल करेगा मुझे तो पता नहीं दोस्तों। मतलब दोस्तों यूजलेस फीचर है या फिर आपके लिए काम के लिए आएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। 90 डेज का लेकर हम करेंगे क्या? 7 डेज 24 आवर्स भी देते तो बेहतर हो सकता है दोस्तों। 90 डेज मतलब समझ लीजिए। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगली खबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगली खबर निकल कर आ रही है बगमी की तरफ से दोस्तों, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से दोस्तों। फाइनली iOS के लिए अवेलेबल हो चुका है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया दोस्तों। मतलब दोस्तों जब ये लॉन्च हुआ था तो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए लॉन्च होता दोस्तों, यहाँ पे आईफोन यूजर्स के लिए भी इस वाला गेम अवेलेबल हो चुका है। आप ऐप स्टोर पे जाकर इसे इंस्टॉल करके आप इसके मजे उठा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो अगली खबर निकल कर आ रही है iQOO 8 सीरीज से दोस्तों। फाइनली चाइना के अंदर दोस्तों iQOO 8 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, iQOO 8 और इसी के साथ में iQOO 8 प्रो दोस्तों। इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 888+ वाली चिपसेट देखने को मिलती है जो iQOO 8 प्रो रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में जो iQOO 8 रहेगा दोस्तों, इसके अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 888 वाली चिपसेट वगैरह देखने को मिलती है दोस्तों। इस वाले दोनों भी स्मार्टफोन में दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल के फीचर वगैरह देखने को मिलते हैं। ये इंडिया में कब तक लॉन्च होगा पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये फ्लैगशिप लेवल की कैटेगरी में इस वाला स्मार्टफोन आने वाला है दोस्तों। जो iQOO 8 है दोस्तों इसकी प्राइस करीब हमें 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब 43,000 के करीब देखने को मिलती है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में जो iQOO 8 प्रो रहेगा दोस्तों, इसके अंदर हमें 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब हमें 57,000 के करीब देखने को मिलती है दोस्तों। क्या आप इंडिया में इसे बहुत ही जल्दी देखना चाहते हैं दोस्तों? मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो अगली खबर निकल कर आ रही है मोटोरोला की तरफ से दोस्तों। फाइनली मोटोरोला की तरफ से 2 स्मार्टफोन हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। ये फ्लैगशिप लेवल की कैटेगरी में लॉन्च हुए दोस्तों, मोटो एज 20 मोटो एज 20 फ्यूजन दोस्तों। जो दोस्तों मोटो एज 20 दोस्तों, इसके अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 778G वाली चिपसेट वगैरह देखने को मिलती है। ये बहुत ही ज्यादा कमाल के इंटरेस्टिंग फीचर के साथ में हमें देखने को मिलती है दोस्तों। इसके अंदर हमें बहुत सारे 5G बैंड वगैरह देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बेस वेरिएंट और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब हमें 29,999 के करीब देखने को मिलती है दोस्तों। जो दोस्तों मोटो एज 20 फ्यूजन है दोस्तों, इसके अंदर हमें MediaTek Dimensity 800 वाली चिपसेट देखने को मिलती है और इसी के साथ में बहुत सारे इसके अंदर भी आपको कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं। इसके बेस वेरिएंट और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब हमें 21,499 रुपए करीब हमें इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। क्या आप मोटोरोला के फ्लैगशिप लेवल की कैटेगरी में ऐसे स्मार्टफोन देखना चाहते हैं दोस्तों? क्या आप ये दोनों भी स्मार्टफोन से इंटरेस्टेड है? मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो अगली खबर निकल कर आ रही है ROG Phone 5S की तरफ से दोस्तों।
फाइनली चाइना के अंदर आरओजी फोन 5S के अंदर दो स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों, आरओजी फोन 5S और इसी के साथ में आरओजी फोन 5S प्रो। दोस्तों जो आरओजी फोन 5S है दोस्तों, इसके अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ वाली चिपसेट देखने को मिलती है। ये 16 स्मार्टफोन दोस्तों, ये दोनों भी स्मार्टफोन दोस्तों गेमिंग के लिए बनाया गया है दोस्तों। मतलब जो नई चिपसेट आई दोस्तों क्वालकॉम की तरफ से, उस वाली चिपसेट को इंप्लीमेंट करके गेमिंग के लिए 16 स्मार्टफोन को बनाया गया दोस्तों। जो दोस्तों आरओजी फोन 5S प्रो दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ वाली चिपसेट देखने को मिलती है। बड़ी सी बैटरी, फास्ट चार्जर, हाई रिफ्रेशिंग रेट, एमोलेड डिस्प्ले, आपको ऐसे बहुत सारे कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये इंडिया में लॉन्च होंगे नहीं लॉन्च होंगे इसके बारे में पता नहीं दोस्तों। जो आरओजी फोन 5S है दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 16GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसके प्राइस करीब 80,000 के करीब देखने को मिलती है चाइना के अंदर दोस्तों। जो दोस्तों आरओजी फोन 5S प्रो दोस्तों, इसका बेस वेरियंट 18GB रैम, 512GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब 1,00,000 के करीब देखने को मिलती है दोस्तों। क्या आप इस वाले स्मार्टफोन को हमारे इंडिया में देखना चाहते हैं दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ में दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो अगली खबर निकल कर आ रही है सैमसंग की तरफ से दोस्तों। सैमसंग की तरफ से बहुत सारे अपडेट निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। फाइनली सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3, सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 3 दोस्तों फाइनली हमारे इंडिया के अंदर 23 अगस्त को इसका सेल लाइव होने वाला है दोस्तों। जो सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3 है दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज साथ में 1,50,000 के करीब आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। ये 23 अगस्त को इसकी सेल लाइव होने वाली है दोस्तों। और जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों, ये इंडिया की प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों। जो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब 85,000 के करीब देखने को मिलती है दोस्तों। ये दोनों भी स्मार्टफोन में दोस्तों आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट देखने को मिलेंगे। मतलब दोस्तों बहुत ही कमाल के कूल कॉन्सेप्ट वाले स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं दोस्तों इस वाले सैमसंग की तरफ से दोस्तों। क्या आप सैमसंग के इसे फोल्डेबल स्मार्टफोन से इंटरेस्टेड हैं, क्या आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं 23 अगस्त को दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक खबर निकल कर आ रही है दोस्तों सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा दोस्तों बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके रेंडर्स कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह निकल के बाहर आ चुके हैं दोस्तों। इसके अंदर हमें माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगी, हेडफोन जॉक और दोस्तों इसी के साथ हमें इसके अंदर 45 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है दोस्तों लेट्स गो डिजिटल की तरफ से, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A03S16 स्मार्टफोन हमारे इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर में मीडिया टेक हीलियो P35 वाली चिपसेट वगैरह देखने को मिलती है। 11,499 रुपए आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। क्या इसे स्मार्टफोन तो कौन खरीदते हैं दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ में दोस्तों सैमसंग की तरफ से जो अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, फाइनली 25 अगस्त को दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M32 5G ऑफिशियली हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है दोस्तों। इसके अंदर में मीडिया टेक डायमेंसिटी 720 वाली चिपसेट वगैरह देखने को मिलने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ में बहुत सारे कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं। नॉक्स सिक्योरिटी के साथ में 16 स्मार्टफोन आने वाला है दोस्तों। मतलब ये जब लॉन्च होगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हमें इसके अंदर 2 साल तक OS अपडेट वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको टोटल 12 5G बैंड देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। इसके प्राइस मतलब 15,000 से लेकर 20,000 के अंदर ही हमें इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगली खबर निकल कर आ रही है वीवो की तरफ से दोस्तों। वीवो की तरफ से बहुत ही जल्दी दोस्तों वीवो X70 सीरीज लॉन्च होने वाली है और इसी के साथ में वीवो की तरफ से लैपटॉप लॉन्च होने वाला है और इसी के साथ में वीवो की तरफ से एक फोल्डेबल स्मार्टफोन भी आने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पे लीक्स बता रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में वीवो की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। जो दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर वीवो X60 लॉन्च होते दोस्तों, इसके अंदर आपको 3,000 की प्राइस डिक्रीज हो चुके दोस्तों। जो इसका बेस्ट वेरियंट था दोस्तों 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब आपको 37,990 रुपीज आपको देखने को मिलती थी दोस्तों। लेकिन अब 3,000 रुपए घट के दोस्तों इसकी प्राइस करीब आपको 34,990 रुपीज आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। मतलब आजकल हम ऐसे ऐसे कहते हैं कि इस वाले स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ी है, इस वाले स्मार्टफोन की प्राइस ऐसा बढ़ी है, ऐसा कुछ हम ये कहते हैं दोस्तों। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों वीवो की तरफ से 3,000 रुपए की प्राइस डिक्रीज हुई है दोस्तों। क्या आप इस वाले स्मार्टफोन को ऑलरेडी खरीदे हैं या फिर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ में दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगली खबर निकल कर आ रही है Xiaomi की तरफ से दोस्तों। Xiaomi की तरफ से बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है दोस्तों 26 अगस्त को दोस्तों। इसके अंदर Xiaomi की तरफ से Mi नोटबुक लॉन्च होने वाली है और इसी के साथ में Mi Band 6 भी लॉन्च होने वाला है दोस्तों। जो Mi Band 6 रहेगा दोस्तों, इसके अंदर में 1.5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में जो भी स्मार्ट बैंड के अंदर जो फीचर वगैरह रहते हैं सारे आपको इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में आखिरी खबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लास्ट खबर होने वाली है दोस्तों, फाइनली OnePlus 9 RT दोस्तों बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, ऐसा कुछ हमें बताया जा रहा है दोस्तों।
दोस्तों अक्टूबर के अंदर लॉन्च होगा ऐसा कुछ ये भी बताया जा रहा है दोस्तों। इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह निकल के बाहर आ चुके हैं दोस्तों। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट, एमोलेड डिस्प्ले और इसी के साथ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाली चिपसेट और दोस्तों इसी के साथ में 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जिसके अंदर दोस्तों सोनी IMX766 वाला सेंसर लगाया जाएगा ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। 4500 mAh की बैटरी, 65 वाट का चार्जर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसी के साथ में ऑक्सीजन OS 12 देखने को मिलेगा ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस वाली वीकेंड टेक न्यूज बहुत ही लंबी हुई थी दोस्तों, करीब 30 मिनट के ऊपर ही दोस्तों। मैं आने वाले हफ्ते में एक प्लान कर रहा हूँ दोस्तों, एक हफ्ते में 2 वीकेंड टेक न्यूज देने की दोस्तों, क्योंकि एक ही वीकेंड टेक न्यूज में सारे अपडेट वगैरह कवर नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए आज मेरे पास बहुत सारे अपडेट वगैरह थे लेकिन फिर भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उस वाले न्यूज को रखा हूँ दोस्तों। आने वाले हफ्ते में 2 टेक न्यूज आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, इसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें दोस्तों। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाली वीकेंड टेक न्यूज जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में आपकी क्या ओपिनियन है इस वाले वीकेंड टेक न्यूज से दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के वीकेंड टेक न्यूज देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और इसी के साथ में इस वाली वीकेंड टेक न्यूज को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड के साथ में फैमिली मेंबर के साथ में आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों। और इसी के साथ में मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाली वीकेंड टेक न्यूज पसंद आई होगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे वीकेंड टेक न्यूज देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।